क्षेत्रीय अस्पताल में हर रोज की तरह से रोगी सिरमौर, शिमला और सोलन से इलाज करवाने के लिए सोलन पहुंचे, लेकिन जब वे सोलन पहुंचे तो अस्पताल पूरी तरह से बंद पड़ा था। किसी भी तरह की ओपीडी सेवाएं नहीं चल रही थी। पर्ची बनाने वाले काउंटर बंद पड़े थे। अस्पताल पर किसी भी तरह की सूचना नहीं लगी थी, जिसकी वजह से रोगी काफी परेशान थे। इस मौके पर रोगियों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वह रोग से बेहद परेशान है। एक दिन पहले डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट करवाने के लिए कहा था, आज वे टेस्ट करवाने आए हैं, लेकिन अस्पताल बंद पाकर बेहद परेशान है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वे कहां जाएं और कहां से इलाज करवाएं। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि सभी कोरोना से बचने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि वे कोरोना संक्रमण से बचे रहें। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन को कुछ प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि कभी सरकार बॉर्डर खोल रही है तो कभी बंद कर रही है। इसमें शोध का नहीं, संक्रमण को फैलने से बचाने का है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल से मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल को इसलिए बंद किया गया क्योंकि सोलन के अस्पताल में कोरोना का मरीज आया था, जो कई लोगों के संपर्क में आया था, जिसका पिछले कल देहांत हो गया। उसके बाद अस्पताल को एहतियातन बंद कर दिया गया। वहीं सीएमओ कार्यालय भी कर्मियों के पॉजिटिव आने के बाद बंद पड़ा है। धर्मपुर में भी तैनात चिकित्सक में कोरोना लक्षण देखे गए। शायद उस अस्पताल को भी बंद करवाया जा सकता है, जिसकी वजह से रोगी बेहद परेशान है। 5-6 दिन से शुगर की प्रॉब्लम है। मैंने कल आई थी तो डॉक्टर ने टेस्ट लिखा खाली पेट, आज टेस्ट कराया तो आज डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पर। और 461 मेरी शुगर बढ़ रही, सारी रात तो पानी पीती रहती और बाथरूम चली रहती हूँ। इतनी तकलीफ हो रही, हार्ट और बीपी की भी पेशेंट हूँ मैं। दवाई ये सारी मेरे को चल रही, डॉक्टर भी सारे कोऑपरेट कर रहे, पर अब आज बोलते ये बंद है और अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मैं आई तो यहीं से, पर मेरे से चला नहीं जाता ज़्यादा ना। बीपी और हार्ट की वैसे ही पेशेंट हूँ, गोड्डों में भी दर्द रहता है। और अब थोड़े दिन पहले डॉक्टर भी बोला था मेरे को दाखिल होने के लिए, तब भी मैं दाखिल नहीं हो सकी, पर अब कहाँ जाऊँ। 461 शुगर आ रही। मैं आज अचानक हॉस्पिटल आई हूँ तो मैंने देखा हॉस्पिटल बंद है। मैं बड़ी परेशान हुई कि क्या हो गया ये। मैं पूछने लग गई तो यहाँ पर रिपोर्टर्स मिल गए, तो कहते मैम आज तो हॉस्पिटल बंद है, तो यहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया, कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं, सीएम ऑफिस तक बंद है, पब्लिक परेशान हो रही है। तो मैं हर इंसान से ये ज़रूर कहूँगी, हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि अपना अपना ध्यान सब रखें और शहरवासियों को भी बचाएं और खुद भी बचें। प्रशासन से है या सरकार से है, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है, भी मतलब ये बीच में आप खोल देते हैं फिर वो बीमारियाँ फैल जाती हैं, फिर अपना फिर ये बंद कर देते हैं, वो थोड़ा सा एक खिल्ली उड़ाने वाली बात भी हो जाती है। बात वो करो, मैच्योर हो। अब आप ना खोलते तो शायद अभी तक बिल्कुल ठीक हो गया होता, हिमाचल में भी और सोलन में तो होना ही होना था। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे को परेशानी बहुत आई है यहाँ आकर। दुख हुआ है कि भाई कोई बंदा किसी के सामने खड़ा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और ग्रेट है ये प्रेस जो हम लोगों को लेके आप तक बात पहुँचाती है, पर आज का जो माहौल है सोलन का, ये जो डेथ हो रही है, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रभु यही करे कि ये ठीक हो जाए सारे, पर लेकिन प्रिकॉशंस ज़रूर लें।